Hello friends, a very warm welcome to my channel. Today I'm starting with the draft policy which is recently announced, and this is Udyog Sahayak Enterprise Network Usenet, and along with it I'll be covering some prelims oriented points from the Hindu. And this Usenet policy is conceived to increase or give impetus to micro and nano enterprises. Hello friends, हम इस Usenet policy के through growth driven services provide करेंगे 62 million हमारी जो existing nano और micro enterprises है उनको. और ये जो हमारी nano और micro enterprises है वो 100 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. अगर हम इस पॉलिसी के थ्रू इनको ग्रोथ के एवेन्यूज प्रोवाइड करेंगे तो हम अल्टीमेटली विल बेनिफिट दीज 100 मिलियन पीपल एंड दीज एंटरप्राइजेस कैपेसिटी टू एम्प्लॉय मोर पीपल विल बी एनहैंस्ड. एंड दिस आइडिया और द पॉलिसी इज पुट जॉइंटली बाय Azim Premji University, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, Tata Institute of Social Sciences. And इस पॉलिसी के अंदर हम अपने जो नैनो और माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको बताएंगे कि उनके बेनिफिट की आजकल कौन सी पॉलिसी चल रही है, स्कीम चल रही है, उनको क्या क्या क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको बताएंगे कि अब आपको कौन लेंड कर सकता है, मतलब कौन आपको बिजनेस के लिए पैसा दे सकता है, आपके कहाँ पर कस्टमर है, कहाँ पर आप सेल करके अर्न कर सकते हो, कौन आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा. और इस पॉलिसी के थ्रू हम उनको हेल्प करेंगे कि वो डिजिटली ग्रो हो सके. एंड इस पॉलिसी के अंदर हम यूजनेट सेंटर्स बनाएंगे एंड दीज यूजनेट सेंटर्स विल बी हेडेड बाय उद्योग सहायक. एंड अंडर दिस उद्योग सहायक there will be 40 to 50 use centers. Now friends, I'll tell you some prelims oriented point from the Hindu. Recently there is a bilateral air exercise conducted between India and France, and this bilateral exercise between India and France is known as Desert Night 2021. And friends, recently there is a novel genetic intervention in science and technology whereby scientists have injected genetic information into the brain of mice to produce a protein called hyperinterleukin 6. Friends, scientists ne kya kiya hai ki mice matlab माइस के जो ब्रेन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंजेक्ट किया है जिससे हमारा प्रोड्यूस हुआ है प्रोटीन हाइपर इंटरल्यूकिन 6. इससे क्या हुआ है, ये माइस जो था ये पैरालाइज था एंड ये इंजेक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करने के बाद हाइपर इंटरल्यूकिन 6 का प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से माइस फिर से चल पाया. और सिर्फ चल नहीं पाया, इसकी मसल्स ने रीग्रोथ हुई. और ये ट्रीटमेंट बहुत ही नोबल है क्योंकि इस ट्रीटमेंट को हम यूज कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं ह्यूमन में टू क्योर दोज पीपल जो कि रोड एक्सीडेंट में जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको वो पूरा लाइफ टाइम बेड रिडन हो जाते हैं और उनको कईयों को स्पाइनल इंजरी की वजह से, बैकबोन इंजरी की वजह से पैरालिसिस हो जाता है. एंड नाउ आई विल टेल यू द कंसेप्ट ऑफ फ्लैश फ्लड. गाइस, दिस टॉपिक ऑफ फ्लैश फ्लड इज न्यूज बिकॉज देर इज अ रीसेंट रिपोर्ट दैट द फ्लैश फ्लड विल लाइकली टू अकर इफ वी आर नॉट एबल टू कंटेन द ग्रीन हाउस गैसेस और control our rising global temperature. And what flash floods is a
फिनोमिना विच अकर क्विकली एंड ड्यू टू सॉइल मॉइस्चर डिप्लीटेड रैपिडली एंड और गाइस जो नॉर्मल ड्रॉट होती है वो मंथ्स लगाती है, मतलब नॉर्मल ड्रॉट होगी वो उसमें टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट जो ये फ्लैश फ्लड्स होती है ये बहुत फ्रिक्वेंटली आती है। और सॉइल का मॉइस्चर क्यों आता है, क्योंकि सॉइल का मॉइस्चर डिप्लीट होता है, इस वजह से फ्लैश ड्रॉट्स आती है। फ्रेंड्स नाउ आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड फ्लैश फ्लैश ड्रॉट्स। एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड फ्लैश ड्रॉट्स। एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज का मतलब होता है जब ह्यूमन एक्टिविटीज से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होता है, लाइक व्हीकुलर एमिशन, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज। दीज ऑल अमाउंट्स टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस विच इज रेफर्स टू एज एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन। नेक्स्ट रीजन बिहाइंड फ्लैश ड्रॉट इज एटमोस्फेरिक एनोमलीज लाइक एलिनो एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स। नाउ फ्रेंड्स यू ऑल नो दैट रिसेंटली देयर इज सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल, हेलो गाइस, एज यू ऑल नो रिसेंटली इंडिया हैज सेलिब्रेटेड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑन 24 जनवरी। एंड देर इज अ रिपोर्ट दैट देर इज अ हायर ड्रॉप आउट अमंग गर्ल्स, ड्रॉप आउट रिपोर्ट। बेसिकली दिल्ली एंड हिमाचल हैज द लोएस्ट ड्रॉप आउट रेट, मीन्स दिल्ली और हिमाचल में लड़कियां बहुत कम ड्रॉप आउट करती है, मतलब स्कूल कम छोड़ती है अमंग प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, मतलब जो छोटी वाली क्लासेस होती है जिसमें लाइक 0 to 4 स्टैंडर्ड एंड 2 to 3 स्टैंडर्ड अपर प्राइमरी क्लासेस में कम ड्रॉप आउट करती है। एंड हाईएस्ट ड्रॉप आउट हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, और अलोंग विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देर आर अदर स्टेट वेयर द ड्रॉप आउट रेट इज हाईएस्ट अमंग द गर्ल चाइल्ड। दीज आर बिहार, झारखंड एंड यूपी। एंड ड्रॉप आउट रेट अमंग SC ST गर्ल इज ऑल्सो वेरी हाई। एंड दिस डाटा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड व्हेन देर विल बी स्टेटमेंट एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन वेर देर विल बी आस्क्ड दैट सपोज दिल्ली हैज द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट, दिस विल बी द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। एंड एज यू कैन सी दिल्ली हैज द लोएस्ट ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल चाइल्ड इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस, सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सो दैट इज वाई दिस दिस डाटा इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। थैंक यू गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट अबाउट द वीडियो आई अपलोड। थैंक यू।